The Lunchbox fame Nimrat Kaur has signed an international project, but as of now, it's not a film, but an international brand. Jise unveil karne Nimrat pahunchi ek event par. Chaliye jante hain Nimrat se, how was her experience being associated with such a brand? It's a very exciting range. There are some beautiful shoes, some lovely bags, great accessories. I've been shopping at Aldo for a very long time. And it's always lovely to be here. चलिए ये तो बात ब्रांड एसोसिएशन की थी. निमरत से जानते हैं अबाउट हर नेक्स्ट वेंचर्स. फिल्मों के बारे में बातचीत तो चलती रहती है इंडिया में भी और बाहर भी. अब क्योंकि एक्सपोजर इस फिल्म का ऐसा रहा है कि हर जगह ये फिल्म देखी जा रही है. कुछ 50 कंट्रीज से ज़्यादा में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है. मैं अभी यूरोप से आई हूँ, वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जर्मनी में ये फिल्म रिलीज़ हुई है अभी बहुत बड़े तौर पर और बहुत ज़्यादा अच्छी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से. तो ज़ाहिर है कि फिल्म मेकर्स देखेंगे, प्रोड्यूसर्स देखेंगे और इंक्वायरीज हैं, बातचीत है. तो अभी कि कहाँ और किससे ये बोलना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा. Now that was a smart answer that Nimrat is known internationally as well now. वहीं जब निमरत से पूछा गया कि कौन से खान के साथ अब वो करना चाहती है काम, तो देखिए निमरत का डिप्लोमेटिक आंसर ऑन द सेम. सबके साथ काम करना चाहना बहुत ही जाहिर बात है. मेरी पहली फिल्म है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ फॉर मी. तो जितने डायरेक्टर्स, जितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिनके साथ काम करने को मिले बहुत अच्छा हो. चलिए, वी वुड आल्सो होप कि आपको बॉलीवुड में कई फिल्म्स मिले और कई डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स के साथ काम करने का मौका भी मिले और आपका बॉलीवुड करियर सफलता की सीढ़ी चढ़े. फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई.